वेलकम इन पंजाबी क्लास। अज असी पाठ चौथा रुत्तां दी राणी बसंत जिहड़ी कि एक कविता है आपां उह अज पढ़न जा रहे हैं। ठीक है, सब तो पहली लाइन, रुत्तां विचों रुत्त सुहाणी बसंत है रुत्तां दी राणी। इस लाइन दे विच सतर दे विच की किया गया है, जिहड़ी बसंत रुत्त है बहुत ही ज़्यादा सुहावनी रुत्त हुंदी है, क्योंकि यह रुत्त है जिहड़ी सर्दी खत्म होने तो बाद शुरू हुंदी है। इस रुत्त दे विच पेड़ पौधे सारे हरे भरे नवीं पत्तियां कढ़न लगते हैं। ठीक है, बच्चे बुढ़े नौजवान सारे रुत्त दे विच बहुत खुश हुंदे हैं, रुत्त का बड़ा आनंद माणदे हैं। तो बसंत रुत्त नूं रुत्तां दी राणी कहा जाता है, जिस तरह अपनियां सर्दी गर्मी वर्खा रुत्त पतझड़, इसी तरह जिहड़ी बसंत रुत्त है सारियां रुत्तां दी राणी मन्नी गई है। ठुर ठुर करदी सर्दी पिछों बसंत रुत्त है आवे, आए बसंते पाला उड़ंट हर कोई गीत है गावे। ठुर ठुर सर्दी मतलब जो सर्दी की रुत्त खत्म हो जाती है तो बसंत रुत्त शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी तरह बच्चे है वह गीत गुनगुनाउण लग जाते हैं जदों बसंत रुत्त शुरू होती है। जिस तरह अपनी फोर्थ लाइन के लिखा हुआ है, आई बसंत पाला उड़ंत का मतलब जो सर्दी खत्म हो जाती है, ठंड खत्म हो जाती है, पाला उड़ जाता है। ठीक है, इस तो बाद है कि बच्चा की बुढ़ा देखो घर विचों बाहर आए पाके वो बसंती माने लोगों के विच छाए। हुण इस रुत्त च की हुंदा है, बुढ़े नौजवान छोटे बच्चे सारे रुत्त दे विच की करदे नवें नवें बाणी पाउंदे है। बसंत रुत्त वाले दिन बसंती कपड़े पाउंदे है ते बसंत रुत्त दा आनंद लैंदे। ठीक है, घरां विच हलवे खीरा पक्कण गभरू बच्चे की बुढ़े शकण। मतलब इस दिन की हुंदा है, लोग अपने घर दे विच तरह तरह के पकवान बनाउंदे है, जिस तरह हलवा बनाउणा, खीर, पूड़े, अलग अलग तरह के पकवान बनाउंदे है, जिहनूं बच्चे बुढ़े सारे छकदे है ते खांदे है ते बसंत रुत्त दा आनंद लैंदे। इस तो अगे है, रंग बिरंगे पतंग पए उड़न टीचे उत्ते टीचा लगन। इस दिन की हुंदा है, बच्चे पतंगा उड़ाउंदे है, जिहड़ा सारा आसमान है रंग बिरंगियां पतंगा के नाल भरिया हुंदा है ते बच्चे आपस दे विच पतंगा दे की है टीचे लाउंदे है। ठीक है, एक दूसरे की पतंग नूं पट्टदे। अंबा उत्ते दूर है आया कोयलां दे मन नूं पाया। इस रुत्त विच होर की हुंदा है, अंबा दे दरख्तां नूं बूर पैणा शुरू हो जांदा है। बूर पैण तो बाद च इह जिहड़ा फल लगदा है, अंब लगदे है, मतलब इह रुत्त दे विच अंबां नूं बूर पैणा शुरू हो जांदा है ते कोयलां मिठे मिठे गीत गाउणा शुरू कर दिंदियां। मिठे मिठे गीत सुनावण दरख्तां उत्ते शोर मचावण, पाले मारे पंछी विचारे आलण्यां विचों निकल सारे। हुण इह रुत्त दे विच की हुंदा है, रुत्त सर्दी की रुत्त तों बाद च आउंदी है। सर्दी दे विच तां सारे जानवर आपदे आलण्यां दे विच लुके रहिंदे है, सर्दी तों डरदे, ठंड तों मारे लुके रहिंदे है, पर जदों इह रुत्त शुरू हो जांदी है तां सारे पंछी अपने आलण्यां विचों निकलना शुरू कर देंदे है, लंबियां उडारियां भरन लग जांदे है, मिठे मिठे गीत गाउणे शुरू कर देंदे है। उच्ची उच्ची भरन उडारी आखण आए रुत्त प्यारी। ते पंछी भी की है, पंछियां नूं भी बसंत रुत्त प्यारी लगदी है, लंबियां उडारियां भरदे है, गीत गाउंदे है, खूब बसंत रुत्त दा उह वी आनंद माणदे है। बसंत राग विच रागी होंदे सभना दे मन नूं भाउंदे, थां थां उत्ते लगण मेले मेलियां दे मेले करावण मेले। ठीक है, बसंत राग दे विच जिहड़े रागी किहड़े हुंदे है, जिहड़े कीर्तन करदे है। जिस तरह किसी भी पाठ से खंड पाठ से ज सधारण पाठ से जो भोग का अंत हो जाता है तो जिहड़े रागी है वह कीर्तन करते हैं, तो इस दिन जिहड़े रागी कीर्तन करते हैं वह बसंत राग के करते हैं, जिहड़ा कि सब के मन में भाते हैं वह चंगे लगते हैं। इस तो बाद की है, इस दिन इतिहासिक थावां ते गुरद्वारा साहिब मंदिर ज होर जगह जिहड़े बसंत पंचमी के मेले लगते हैं, जिथे कि बच्चे बुढ़े नौजवान सारे बसंत पंचमी का मेला देखने जाते हैं, पूरा आनंद माणते हैं। मेलियां के मेले करावण
तरह मेले दे विच काफी रिश्तेदार दोस्त मित्र एक दूसरे को इस दिन मिलते हैं ते आपस दे विच उन्हां दे मेले मेले हुंदा मतलब आपस दे विच मिलते हैं। हाँ जी कविता दा सारी कविता अपनी कंप्लीट हो गई। इस तो बाद है औखे शब्दों के अर्थ। औखे शब्दों के अर्थ दोस्त ते